साथ होना साथ चलने से बड़ा होता है। सही मायने में कोई कितनी देर तक साथ चला इससे ज्यादा मायने रखता है कि कोई कितनी देर तक आपके साथ रुका। साथ चलने और साथ रुकने में यही फर्क है, इसलिए जो आप लोगों के साथ है उनके साथ आप भी साथ देकर साथ चलते रहेंगे। और इन शब्दों पर गौर करेंगे तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए यही शब्द मार्च 2024 के महीने में सफलता के गुरु मंत्र बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं वृषभ राशि मार्च 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे, कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट है। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे, सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करने के बाद यादगार और शानदार मार्च कैसे बने इसके विशेष उपाय होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन की। बहुत सारे प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले 7 मार्च से बुध 11th हाउस मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। 7 मार्च से शुक्र 10th हाउस कुंभ राशि में, 14 मार्च से शुक्र 11th हाउस मीन राशि में रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 15 मार्च से मंगल 10th हाउस कुंभ राशि में, 17 मार्च से शनि 10th हाउस कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे। 26 मार्च से बुध 12th हाउस मेष राशि में रहेंगे और फाइनली 31 मार्च से शुक्र 11th हाउस मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। अब देखिए प्रिय साथियों, आप कभी भी नोट कर लीजिएगा, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो बहुत निराशावादी होते हैं। मन और मस्तिष्क में कई अहम और वहम घुस जाते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को कोई भी तकलीफ देते हैं। ये तकलीफ तब होती है जब वृषभ राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी, 4th, 8th, 12th जाएंगे, तब तकलीफ देते हैं। ये डेट्स का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 5-6 मार्च को 8वें, 13-14 मार्च को 12वें और 22-23 मार्च को 4th रहेंगे। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने के साथ साथ मेरे पास ऑस्पिशियस डेज भी बहुत सारे हैं। 1, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28 और 29 मार्च को गुरु और चंद्रमा का केंद्र का संबंध महान गज के जरूर बनाएंगे। 1 से 6 मार्च तक 10th हाउस में, 14 से 25 मार्च तक 11th हाउस इनकम हाउस में सूर्य बुध का बुधा देती हो। 7 और 8 मार्च को 9th हाउस में चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग और इस पूरे महीने कर्म स्थान में शश योग बना रहेगा। इसी से हमने आपका राशिफल तैयार किया। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 23 फरवरी को मुंबई हूं, 24 और 25 फरवरी को दुबई, 26 फरवरी दिल्ली और गुड़गांव दोनों जगह हूं, 2 मार्च जबलपुर, 3 मार्च इंदौर, 8, 26 और 31 मार्च को मुंबई, 10 मार्च दिल्ली, 17 मार्च कोलकाता, 27 मार्च रायपुर, 29 मार्च बेंगलुरु और 30 मार्च को मैं पुणे रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए वृषभ राशि वाले लोगों के बिजनेस एंड वेल्थ का हाल सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए 7 से लेकर 25 मार्च तक इनकम हाउस में बुध और राहु का जड़त्व दोष रहेगा, यानी इस दरमियान आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, वरना आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही, लेट लतीफी, किसी पर ज्यादा भरोसा आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, इसलिए इस पर आपको ध्यान रखना होगा। व्यापार के जो लॉर्ड है वो मंगल बनते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मंगल भाग्य स्थान में उच्च राशि के, 14 मार्च तक मंगल 9th हाउस में उच्च राशि होकर विराजमान रहेंगे, जिससे व्यापार में आप एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह काम को अंजाम देने वाले हैं। मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज सही ढंग से करिए, हर काम को अपनी देखरेख में करिए। सरकारी बैंक पर पॉलिटिशियन से संबंध आपके काम को बेहतर करवाएंगे, सरकारी ठेके और ऑर्डर पर ज्यादा काम कर पाएंगे। और मंगल 12th हाउस, जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है, 1 नंबर लिखा हुआ है, इसी के लॉर्ड मंगल उच्च राशि के हैं और चौथी दृष्टि से 12th हाउस को देखते हैं तो ट्रैवल बहुत अच्छा होगा, नए अनुबंध आप बना पाएंगे, नए लोगों से बेल मुलाकात, नई टेक्नोलॉजी, नया मैनेजमेंट, नई टीम को हायर कर पाएंगे और ऑलरेडी जो टीम है उसको मोटिवेशन दे पाएंगे, इसमें आपको खुशी मिलने वाली। इसके अलावा 14 से लेकर 25 मार्च तक 11th हाउस में सूर्य बुध का बुधा देती हूँ, इस महीने आपको आइडियाज बहुत शानदार आएंगे। बिजनेस रिलेटेड जो बदलाव कर सकते हैं, बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, वो आप लेने वाले हैं। और इनकी पंचम स्थान पर दृष्टि है, जिससे शेयर बाजार, वायदा बाजार में बेहतर पैसा, म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा कमा पाएंगे और पैसे से पैसा कमा पाएंगे। आपके बेस्ट एफर्ट्स प्लानिंग आपके इंपॉर्टेंट काम को समय पर पूरा करवा देंगे, इसमें आपको खुशी मिलने वाली है। जो लोग ट्रेडिंग और इंपोर्ट से जुड़े हुए उन लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा कर्म स्थान में शनि विराजमान है, जो शनि मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि शनि उदय होने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज माइनिंग से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। दूसरी बात करें तो राहु की नवमी दृष्टि 7th हाउस पर है, क्योंकि राहु इनकम हाउस में विराजमान है और वापस व्यापार भाव को देखते हैं, इस वजह से टैक्स लायबिलिटी और कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कॉर्पोरेट फील्ड में
व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो इस महीने आपको आपको बिजनेस का एक बेहतर अवार्ड मिल सकता है। 26 मार्च से 12th हाउस में गुरु और बुध की युति हो जाएगी। आपकी ज्ञान बुद्धि वाणी मैनेजमेंट सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन में काम करवाएंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और तौर तरीके से आप लोगों के दिल और दिमाग पर छाप छोड़ पाएंगे। अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए सोशल मीडिया का आप सहारा लेने वाले हैं और इसके अलावा रीपैकेजिंग रीमार्केटिंग पर आप ध्यान देंगे। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए जिम्मेदारी आपके पास रहेगी और ये जिम्मेदारी आपको शनि देंगे और साथ में मंगल भाग्य स्थान के और गुरु मंगल का जो 4-10 का संबंध है वो नई चीज बिजनेस के लिए खरीदी जा सकती है। शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे, तैयार हो जाए और खर्चे होंगे तो पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि पैसा होगा तभी खर्चे हो पाएंगे। आइए बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। 6 मार्च तक कर्म स्थान में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनने वाला है, जिस वजह पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड से आप सफलता खुद और अपने बॉस को भी दे पाएंगे। 14 मार्च तक मंगल 9th हाउस में उच्च राशि के विराजमान है और साथ में मंगल आईटी मैनेजमेंट और लॉ के जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बड़ा अच्छा लाभ देंगे। मन बहुत शानदार रहेगा और मन में अच्छे आइडियाज धीरज धैर्य और संयम रखे आप बेहतर काम कर पाएंगे। अपने क्रोध और वाणी पर काबू रखना है, इतना आपको जरूर ध्यान देना है। फिर 15 मार्च से 10th हाउस में शनि मंगल का अंगारक दोष रहेगा। इस समय विशेष में आपको किसी से तकलीफ आ सकती है, ऑफिस के लोगों से तकलीफ आ सकती है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपकी जितनी एफिशिएंसी थी उससे ज्यादा वर्कलोड आपको परेशान कर सकता है, आपके अपने ही लोग आपको किसी परेशान में डाल देंगे। सॉल्यूशन ढूंढिए और पहले से हर चीज का निस्तारण करिए। अपने बॉस से 1-to-1 बात कर सकते हैं। जॉब चेंज करनी है तो अंगारक दोष आपको आपके आसपास के लोग ऐसा प्रोवोक करेंगे जिससे आप जॉब छोड़ दें या कोई टॉर्चर करने का काम करेंगे। इसके पीछे पंचम स्थान में बैठे हुए केतु जिसकी मंगल पर दृष्टि है, आपको आवेश में लाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा ऑफिस में, या पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से जोड़कर उनकी इमेज खराब की जा सकती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए 14 मार्च से 11th हाउस में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनने वाला है। सीनियर बॉस कुली के साथ मनभेद और मतभेद हो जाएंगे, इसे सुलझाने प्रयास करें और बात को बतंगड़ बनने से पहले ही रोक दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन बेहतर हो इसके लिए घर पर बैठ के 15 मिनट अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए, आपको तकलीफें कम से कम आएगी। 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 29 मार्च को गुरु चंद्रमा के जब गज के योग रहे तो नई जॉब के लिए अप्लाई करना, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। अगर बॉस से बात करनी है, नए अवसर मिल रहे हैं, मौका मिलते हैं, चौका लगाना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ज्ञान प्राप्त करना है और उसे अप्लाई करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, ये डेट्स पर आपको करना शुभ रहेगा। बात करते हैं फैमिली लाइफ लव लाइफ और रिलेशनशिप की। देखिए पति पत्नी का जो घर होता है वो 7th हाउस होता है जहां 8 नंबर लिखा, इसके लॉर्ड मंगल बनते हैं। मंगल जहां 10 नंबर लिखा हुआ पहले तो वहां रहेंगे और फिर वो चले जाएंगे जहां मैंने दिखाया शनि और मंगल का अंगारक दोष, उस पर बाद में बात करेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 7th हाउस पर है क्योंकि शनि दशम स्थान में बैठे हैं। आपको जिम्मेदार पिता पत्नी या परिवार का कोई भी सदस्य है, जिस प्रकार का औहदा और जिम्मेदारी आपको मिली उसमें जिम्मेदारी आपको दिखानी पड़ेगी। सब लोग आपकी तरफ मदद की आस लगाए बैठे हैं और आप उनसे मुंह मत मोड़ लीजिएगा, यह ध्यान रखना है। परिवार में सबको अपना अपना स्पेस देना है। 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 10th हाउस में शुक्र शनि की युति रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिंगल को डबल होने का मौका मिलेगा, पार्टनर मिल जाएंगे, दूसरे गलत रिश्ते भी होने वाले हैं, इससे बचना है। आपकी कोई ख्वाहिश है वो पूरी जरूर हो सकती है, लेकिन वो ख्वाहिश हो सकता है आपकी गलत भी हो, समाज कानूनी या फिर पारिवारिक रूप से विरोधी हो, इसलिए आप ध्यान रखिए। कोई आपको प्रपोज करते हैं तो सोच समझ के जवाब दीजिए, आप किसी को प्रपोज करते हैं तो दोबारा सोचिए क्योंकि ये रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। इसके अलावा 7 से लेकर 30 मार्च से गुरु शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा क्योंकि शुक्र यहां और गुरु 12वें घर में विराजमान। घर में शुभ और मांगलिक कार्य, नए फ्रेंड्स, सोशल दायरा आपके बढ़ेगा, फाइनेंशियल किसी से मदद मिल जाएगी, मित्र रिश्तेदार आपका साथ तो देंगे लेकिन वैर विरोधी भी आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गलत फहमियां आपको किसी और से और किसी और को आपसे होने वाली है, ये तय होने वाला है क्योंकि शनि मंगल का अंगारक दोष यहां पर बन रहा है। 15 मार्च से 10th हाउस में और उससे पहले मंगल भाग्य स्थान में रहेंगे जो कि 14 तारीख तक तो पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहेगी, लेकिन 15 तारीख से जैसे अंगारक दोष बनेगा आपको संभल के रहना है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होते होते रुक जाएंगे, कोई गलत फहमी से रिश्ते टूट सकते हैं और अहम और वहम आपके परिवार की अशांति जो शांति उसे छीन लेंगे। इसके अलावा बुध जो संतान के घर के लॉर्ड है वो नीच राशि होने जा रहे हैं तो संतान की तरफ हो सकता है पूरा ध्यान न दें या संतान अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर पूरा ध्यान न दें, इससे उनके रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए पारिवारिक जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना है तो बुरी चीजों को एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। आप अपने काम को खुश रहकर करिए, खुशी अपने आप मिलेगी।
घर के वैर विरोध झगड़े फसाद में आप मत कूदिए, जितनी जरूरत है उतना ध्यान दीजिए, बाकी ये सोचिए कि समय है निकल जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। सबसे पहले तो 7 मार्च से 25 मार्च तक 11th हाउस में राहु और बुध का जड़त्व दोष है। ऐसा लगेगा स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को हम ब्लैंक हो गए, हमें कुछ आता ही नहीं, जबकि आता सब कुछ है। थोड़ा सा प्रेशर आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सब वापस याद भी आ जाएगा, लेकिन सुबह उठकर जल्दी आपको प्रयास करना चाहिए। 7वीं दृष्टि पढ़ाई के घर पर होने से जो पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर अज्ञात भय या जनरल स्टूडेंट के अंदर भी बैठे बैठे खुद की परेशानी भूले जाएंगे। इसलिए पहले तो आपको एग्जाम के टाइम में, पूरे एग्जाम के टाइम में जिन चीजों से डिस्ट्रैक्शन जिन लोगों से होता है उन चीजों को कुछ देर के लिए अपने जिंदगी से हटा दीजिए, और सिर्फ जब भी मौका मिले ज्ञान मुद्रा बैठकर ध्यान करिए, अच्छा हल्का म्यूजिक सुनिए, अच्छा रहेगा। 14 मार्च मंगल की 14 मार्च तक जो चौथी दृष्टि है वो तो 12th हाउस गुरु के घर पर है, और पढ़ाई के घर के लॉर्ड बुध नीच राशि होने वाले हैं। इसलिए हायर एजुकेशन के लिए, वीजा के लिए अप्लाई करना है, कहीं से स्कॉलरशिप के लिए या पैसे की डिमांड है किसी से, वो सब कुछ हो सकता है। बस आप चाहत अपनी जिंदा रखिए, विद्या में रुचि रखिए, यह आपका काम हो सकता है। वहीं गुरु और केतु का जो षडाष्टक दोष है, आपके दोस्त, सोशल मीडिया और भी कोई विशेष व्यक्ति आपके लिए परेशानियां क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए धीरज धैर्य संयम से सिर्फ एक ही बात, अपना करियर अभी बनाना है। 15 मार्च से मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, क्योंकि शनि मंगल का अंगारक दोष यह बनने वाला है। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और साथ में आईटी प्रोफेशन लोगों के लिए बड़ा शानदार समय, लगातार प्रयास, चरेवृत्ति, अभ्यास सकारात्मक परिणाम आपको देने वाले हैं। बात करते हैं सेहत एंड ट्रेवल प्लान की। 3 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रोग को जड़ से समाप्त कर देंगे, लेकिन रोगों पर खर्चे भी होने वाले हैं। 15 मार्च से 10th हाउस पे शनि मंगल का अंगारक दोष आपको गाड़ी से चोट दुर्घटना दे सकते हैं, या हो सकता है आप सीढ़ियों से उतरते वक्त या चढ़ते वक्त फिसल जाएं, बाथरूम में स्लिप हो जाएं, ध्यान रखिए। 14 से 25 मार्च से 11th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, परिवार के साथ घूमने फिरने योजनाएं बनने वाली है, और अपनों के साथ, दोस्तों के साथ या प्रोफेशनल ट्रिप पर जाने वाले, ये तैयारी आप पूरी करके रखिए। अब आइए विशेष उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करिए, इसके बाद उन्हें खोए की मिठाई चढ़ाएं, आरती करें, ओम नमः शिवाय, ओम सोम नाथाय नमः रुद्राभिषेक करवाएं, आग धतुरा बिल्व पत्र अर्पित करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और 3 मिनट या 13 मिनट तक ओम का जाप करिए, आपके अंदर अद्भुत शक्ति आएगी। 20 मार्च आंवला की एकादशी पर आंवले का पौधा लगाएं, लव पार्टनर लाइफ पार्टनर साथ रिश्तों में कोई अधूरी इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेट लीजिए, साथ ही पेड़ के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें, आंवले उस दिन खरीद कर या जहां से प्राप्त कर सकते हैं बांटने चाहिए। 24 मार्च होलिका पर सफेद चंदन और होलिका के 3 फेरे लीजिए, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर होलिका दहन की 11 चुटकी राख, चांदी का 1 सिक्का, सफेद कपड़े बांध लें, इस पोटली को अलमीरा में रख दीजिए जहां जरूरी कागजात रखते हैं, और वहां आप रखने बाद कारोबार में आ रही समस्याएं, जॉब में आ रही समस्याओं का निवारण होगा। और जो सफेद चंदन है, और जिस दिन 24 तारीख को होली की राख जलती है उस राख में आपको 1 मुट्ठी काली मिर्च डाल देनी है, और अगले दिन, अब वो कहीं डाली है कहीं जली है उससे फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी सी राख घर ले आए और हल्का सा सफेद चंदन और राख को मिलाकर आप टीका लगाइए, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग जादू टोना का असर खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा आप जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए, और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अवेद महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से अभिमंत्रित करेंगे अवेद महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अवेद महामृत्युंजय कवच। महाशिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए।
जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी।